हेलो स्टूडेंट्स आई एम आदित्य सिंह फ्रॉम एसआर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ टुडे वी डिस्कस अबाउट बीम्स शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट और एज वेल एज शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट वी स्टार्ट बीम्स ए बीम मे बी डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट विच हैव वन डायमेंशन लार्जर द अदर टू डायमेंशंस नेमली ब्रिथ एंड डेप्थ एंड इज सपोर्टेड एट फ्यू पॉइंट सपोज दिस इज द बीम हियर सपोर्ट्स दिस इज दिंज सपोर्ट एंड दिस इज द रोलर सपोर्ट अब देखिए इस पर यह लोड लगा है लोड पॉइंट लोड भी हो सकता है एज़ वेल एज इसके ऊपर यूडी भी लग सकता है जनरली जब बीम को हम डिज़ाइन करते हैं करते हैं तो वहाँ पर हमेशा उस पूरे लोड को एक यूडीएल में कन्वर्ट कर देते हैं तभी आपने देखा होगा जो घर की छतें होती हैं बिल्कुल एक जैसी दिखाई पड़ती हैं अगर नीचे से हम देखेंगे तो छत जो होती है वो पूरी यूनिफॉर्म होती है अब उस छत का जो लोड होता है या सीलिंग का जो लोड होता है वो उसी बीम पर ट्रांसफ़र किया जाता है नेक्स्ट द सिस्टम ऑफ Forces consisting of applied loads and reaction keep the beam in equilibrium. इसका क्या मतलब हुआ देखिए अगर ये supports हैं तो but जब इसका हम कोई फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम वो डायग्राम होता है जहाँ पर सारे forces को शो किया जाता है विद उनकी रिएक्शंस के साथ अब देखिए सपोज इसी का हम एफ बनाए दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसको हम बनाए देखिए रोलर पर हिंज पर हिंज पर दो रिएक्शंस होती हैं लेकिन जो हॉर्जेंटल वाली होती है वो नेग्लिजिबल यानी वो ज़ीरो हो जाती है क्योंकि इस बीम पर दूसरा कोई भी हॉर्जेंटल रिएक्शन नहीं है ये रोलर सपोर्ट है तो अब जब रोलर सपोर्ट पर एक वर्टिकल डायरेक्शन में ये यानी जब हम इसकी रिएक्शंस निकालेंगे तो उसके इक्लूबीरियम के बराबर होनी चाहिए बीम कब इक्लूबीरियम होगी जब ये अपवर्ड जो फोर्स लगा है और जो डाउनवर्ड फोर्स लगा है दोनों इक्वल एंड अपोजिट हों तभी तो ये बीम इक्रियम में होगी हमेशा हम आपने पढ़ पहले भी पढ़ा होगा कि देर आर थ्री कंडीशंस इक्लुबीरियम की समेसन ऑफ वाई इक्वल टू ज़ीरो समेसन ऑफ़ वी एक्स इक्वल टू ज़ीरो और साथ ही साथ समेसन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू जीरो जब ये तीनों कंडीशन सैटिस्फाई होती है तभी कोई बीम इक्विलिब्रियम में होती है नेक्स्ट द रिएक्शंस क्या होती हैं रिएक्शंस जो आपका सपोर्ट की कंडीशंस होती हैं वो सारी रिएक्शंस कहलाती हैं द रिएक्शंस डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड टाइप्स ऑफ लोडिंग दोनों पे डिपेंड करता है बीम्स इज यूजुअली लोडेड जो होती है नॉर्मल टू इट्स एक्सिस नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ बीम्स टाइप्स ऑफ बीम में मोस्टली जो हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं फर्स्ट होती है आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम यू कैन सी दिस फिगर देखिए ये इस पर एक रोलर लगा हुआ है और एक हिंज सपोर्ट लगा हुआ है और उस पर देखिए कुछ फोर्सेज जो हैं वो एंगल के साथ लग रहे हैं और कुछ फोर्सेज हमारे सीधे सीधे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है यानी एक ऐसी बीम जो कि सिंपली सपोर्टेड होती है वो आपका उसमें एक रोलर सपोर्ट होता है और एक हिंज सपोर्ट होता है सच ए बिन ये जो बीम है ए बीम कैन सपोर्ट लोड इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू इट्स एक्सिस दिस इज द नोन एज सिंपली सपोर्टेड बीम नेक्स्ट बीम की बात करते हैं ओवरहैंग बीम ओवरहैंग बीम का मतलब जो सपोर्ट से बाहर की ओर निकली होती है यू कैन दिस फिगर ए और बी देखिए फिगर ये दो सपोर्ट्स हैं इन दो सपोर्ट्स के एक जो लास्ट वाला सपोर्ट है इस पे एक पीटू लोड लगा हुआ है तो ये पीटू लोड क्या है ये ओवरहैंग बीम है ओवरहैंग है कि नहीं देखिए कुछ बाहर की ओर तरफ लटकी हुई इसको इस सेंस में समझिए कि ये कुछ बीम जो का पोर्शन इस सपोर्ट से बाहर की ओर लटका हुआ है और इसमें देखिए दो सपोर्ट्स हैं इन दोनों सपोर्ट्स के आगे बीम जो है निकली हुई है दिस इज द नोन एज ओवरहैंग बीम दूसरे शब्दों में इफ ए बीम इज प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द सपोर्ट इट इज कॉल्ड एन ओवर हैंग बीम नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड टाइप की बीम कैंटीलीवर बीम कैंटीलीवर बीम क्या होती है मेरा हाथ देख रहे हैं ना आप देखिए मेरा हाथ ये एंड फिक्स्ड है और ये एंड फ्री है है कि नहीं है देखिए ये एंड मेरा ये फिक्स्ड है और ये फ्री है दिस इज द कॉल्ड एज बीम एक एक एंड एंड फिक्स्ड फ्री जनरली आपने देखा होगा जो घरों में छज्जे निकलते हैं वहां पर देखा होगा कुछ बंदूक कुछ इस तरीके की बीम देखी होगी आपने यहां पर इस तरीके की देखिए ना कभी जो बिल्कुल बाहर का हिस्सा होता है वो कम उसका डेप्थ होती है और जहाँ पर फिक्स होता है वहाँ पर ज़्यादा होती है दिस इज द नोन एज कैंटी लिवर बीम देखिए ये एंड फिक्स्ड ये एंड फ्री लोड इस पर कुछ भी हो सकता है लोड यहाँ पर फ्री एंड पर एक डब्ल्यू यू डी डब्लू डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लग सकता है एज वेल एज इस पर यूडीएल भी लग सकता है यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दैन कैंटीलिवर बीम इफ ए बीम इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड अदर एंड ज फ्री दिस इज द नोन एज कैंटी लीवर बीम आगे फिर फोर्थ टाइप की बीम 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 फिक्स्ड फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ जैसे ये अपने नाम के अकॉर्डिंग बता रही है फिक्स्ड है यानी इसके दोनों एंड जो है वो रोटेशन ना हो उसके अंदर देखिये फिक्स्ड बीम का मतलब ये एक यहां से यहां तक देखिए यह बीम दोनों एंड इसके फिक्स्ड हैं यह कहलाती है आपकी फिक्स्ड फिक्स्ड बीम देखिए अब कहां कहा रोटेशन कहा? हो गई नहीं उसमें देन अदरवाइज ए फिक्स्ड बीम इज वन एक ऐसी बीम जिसका एंड्स जो है वो रिस्ट्रेंड होता है फ्रॉम रोटेशन से यानी ये रोटेट नहीं हो सकती भाई कोई भी चीज फिक्स होगी तो कैसे रोटेट होगी थर्ड नेक्स्ट जो बीम आती है वो आती है कंटिन्यूस बीम कंटिन्यूस का बीम मतलब जो दो सपोर्ट से आगे बढ़ जाए यानी तीसरा सपोर्ट चौथा सपोर्ट वन टू थ्री फोर कई सारे सपोर्ट जब आ जाते हैं तो वो कंटिन्यूस बीम होती है लाइक दिस देखिए ये बीम ये सपोर्ट ये सपोर्ट ये सपोर्ट और ये सपोर्ट सपोर्ट भी चाहे यह रोलर लगा हो हिंज लगा हो कुछ भी लगा हो यहाँ पर ये सारी बीम जो होती है कंटिन्यूस देखिए कंटिन्यू करती जा रही है कि नहीं सपोर्ट से पहले सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट से अगर यहाँ तक रख देंगे तो एक सिंपली सपोर्ट बन जाएगी लेकिन जहाँ तीसरा और फोर्थ सपोर्ट आता है ये कंटिन्यूस बीम हो जाती है एक कंटिन्यूस बीम इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दैट प्रोवाइड्स टू बेंडिंग वेन ए लोड और फोर्स Is है? दो सपोर्ट से आगे सपोर्ट पे बढ़ते हुए तो ये बीम कहलाती है कंटिन्यूस बीम दिज आर दोस्ट सम यूजफुल अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोड की बीम की बात कर ली हमने अब बात करेंगे कि आपका लोड कितने तरीके का होता है जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे तो बहुत सारे लोड यूज कर आते हैं आपने अर्थ को एक लोड स्नो लोड ये सब लोड लेकिन हम जो मेनली बीम पर यूज करते हैं टाइप्स ऑफ लोड्स सबसे पहला जो लोड आता है वो पॉइंट लोड होता है पॉइंट का मतलब कोई बीम अगर ये है अगर ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है दिस इज़ द रोलर एंड दिस इज़ हिंज इस पर किसी एक पॉइंट पर ये लोड मान लीजिए पी लोड ऐड कर रहा है तो यानी किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है कि ये इस जगह तो ये कहलाता है हमारा पॉइंट लोड किसी भी बीम पर एक पॉइंट पे बट सी बात है कुछ ना कुछ इस सपोर्ट से कुछ डिस्टेंस पे होगा यहाँ से भी कुछ इस सपोर्ट्स पे डिस्टेंस होगा ये तो एक ही लोड लगा हुआ है हो सकता है कोई दूसरा लोड भी यहाँ यहाँ से लग जाए तो अब इस बीम इस को बोलते हैं पॉइंट लोड यानी टाइप्स ऑफ लोड में फर्स्ट लोड पॉइंट लोड सेकेंड जब हम बात करेंगे तब बात करते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो एंटायर स्पेन के एलॉन्ग लगता है यानी लेंथ के एलॉन्ग अगर ये कोई एक बीम है ये बीम है ये हमने सपोर्ट्स लगा दिए रिएक्शंस ये देखिए इसको अगर हम डब्लू से डिनोट करें तो ये किलो न्यूटन पर मीटर यानी इस पूरी लेंथ जो इसकी लेंथ होगी इसके अलोंग पूरा लगेगा यानी एक यू में कन्वर्ट होता है यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड किलो न्यूटन पर मीटर यानी हर लेंथ के अलोंग पूरे बीम पर ये स्प्रेड होता है एक साथ लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिस लोड स्प्रेड एलोंग द लेंथ ऑफ द बीम देखिए पूरा आया कि नहीं आया यहाँ से एलोंग द लेंथ ऑफ बीम नेक्स्ट थर्ड लोड जो यूज करते हैं जनरली यूनिफॉर्म वैरिंग लोड यूनिफॉर्म वेरिंग लोड यानी जो कि यहाँ से अगर ये है कोई एक देखिए इस तरीके से वेरी करता हुआ यहाँ से देखे यहाँ पे कुछ होगा हर पॉइंट पे अलग अलग लोड एक्ट हो रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ कम यहाँ ज़्यादा और सबसे ज़्यादा इस जगह पर तो ये कहलाता है यू वी एल इसको यू वी एल बोलते हैं यूनिफॉर्म वेरिंग लोड यूनिफॉर्म वैरिंग लोड इट्स स्प्रेड अलॉन्ग देंथ ऑफ द बीम रेट ऑफ वैरिंग देखिए रेट ऑफ बैरिंग लोडिंग पॉइंट टू पॉइंट यानी पॉइंट टू इस पॉइंट से चलेंगे देखिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो गया फिर आगे बढ़े फिर आगे बढ़े फिर यहां बढ़े फिर यहां बढ़े फिर यहां बढ़े सबसे मैक्सिमम इस जगह देखिए ये लोड वैरी कर रहा है कि नहीं जो भी इसकी इंटेंसिटी हो मान लीजिए इसको तो ये देखिए हर पॉइंट्स पर वैरी करता हुआ आगे बढ़ रहा है ये कहलाता है यू वी एल यूनिफॉर्म वैरिंग लोड अब एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग ये प्रॉब्लम एक सिंपली सपोर्टेड बीम है इस पर सबसे पहले रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं सिंपल सा फंडा होता है इसका देखिए ये तो इन्होंने प्रॉब्लम क्या है कैलकुलेट द रिएक्शंस ऑन द सपोर्ट सपोर्ट्स कौन कौन से एक ए है और एक बी है ए पर क्या है ए पर देखिए हिंज लगा हुआ है और बी पर रोलर लगा हुआ है ट्वेंटी किलो न्यूटन का आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक पॉइंट लोड देखिए इस पॉइंट लोड में देखिए दोनों के डिस्टेंसेज गिवन है कितनी दूरी पर लगा यानी ए से दो मीटर पर और बी से दो मीटर पर यानी इस बीम की पूरा लेंथ कितनी हुई ये लेंथ हुई फोर मीटर की इस बीम की फोर मीटर की लेंथ हुई तो सॉल्व कैसे करते हैं सबसे पहले हमें इस पर फाइंड आउट करना पड़ता है इसका फ्री बॉडी डायग्राम पहले भी प्रीवियस की स्लाइड से मैंने बोला भी था फ्री बॉडी डायग्राम वो डायग्राम होता है जिसपे रिएक्शंस अगर ये रिएक्शंस ना लगी होती ये ए वाई तो देखिए सिंपली सी ये एक आपको बीम की एक प्रॉब्लम लगती है लेकिन यहाँ पर रिएक्शंस को शो किया है तो ये अब इसका हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम देखिए एक ये बीम बना ली हमने अब क्या किया यहां पर ए सपोर्ट पर हिंज सपोर्ट लगा हुआ है तो एक एक आपका आर ए वाई यहां पर ए वाई लिखा हुआ है आर यानी रिएक्शन एट ए पर उसके बाद टू मीटर पर आपका एक पॉइंट लोड लगा हुआ है कितने किलो न्यूटन का ट्वेंटी किलो न्यूटन का यहाँ पर रोलर सपोर्ट है यहाँ पर भी एक वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में हमने आर बी वाई की रिएक्शन लगा दी ये भी कितनी दूरी पर है टू मीटर की दूरी पर ये हो गई अब हमें हमारे पास इक्वेबेरियम की तीन इक्वेशन हैं कौन कौन सी समेशन ऑफ एच इक्वल टू ज़ीरो इसका मतलब हुआ इस डायरेक्शन में हॉर्जेंटल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस होंगे उनका सम जीरो होना चाहिए दूसरी कंडीशन होती है समेशन ऑफ वी इक्वल टू जीरो ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव माना यानी इस डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव ऊपर जा रहा तो पॉजिटिव अब तीसरी कंडीशन क्या होती है समेसन ऑफ मूमेंट इक्वल टू जीरो सबसे पहली अगर समेसन ऑफ हॉर्जेंटल फोर्स करें तो देखिए जीरो है कोई फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगा हुआ है जब हम समेशन ऑफ वर्टिकल के लिए करेंगे इसके लिए करेंगे देखिए यहाँ पर कितने कितने फोर्स लग रहे हैं सीधा एक आर ए वाई किस डायरेक्शन में है अपर डायरेक्शन में हमने मान रखा है कि अपवर डायरेक्शन में हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे आर ए वाई दूसरा क्या लगा हुआ है प्लस आर बी वाई देखिए दोनों अपर डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं और थर्ड जो लोड लगा हुआ है वो 20 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा ये सिंपली इक्वेशन बन गई एक आर ए वाई प्लस आर बी वाई इक्वल टू ट्वेंटी हो गया ट्वेंटी हुई कि नहीं हुई अब दो इक्वेशन हमने यूज कर ली तीसरी कौन सी करेंगे तीसरी करेंगे मूवमेंट मूवमेंट का मतलब किसी भी सपोर्ट पर किसी भी सपोर्ट पर आप मूवमेंट ले लीजिए मूवमेंट आपको पता ही है क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके अबाउट मूवमेंट लेंगे वहां पे जितने भी फोर्सेस होंगे वो सब जीरो हो जाएंगे हमने लिया समेशन ऑफ मूवमेंट ए के अबाउट मूवमेंट लिया और ये माना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है देखिए ए पे क्या हुआ सारे फोर्सेज जीरो हो गए अब देखिए ये कैसे हो रहा है ये फोर्स लगा हुआ है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू मीटर हुआ तो कितना हो गया किस डायरेक्शन में घुमा रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं तो माइनस सॉरी क्लॉक डायरेक्शन में पॉजिटिव ट्वेंटी कितना डिस्टेंस टू यहां पे काम खत्म अब क्या कर रहा है अब ये देखिए यहां से लेंगे तो ये किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है माइनस में एनी एंटी क्लॉकवाइज दिस इज द माइनस फोर इन आर बी equal टू जीरो देखिए फोर आर बी वाई इक्वल टू कितना हो गया फोर्टी यानी आर बी वाई इक्वल टू कितना हो गया फोर्टी डिवाइडेड बाई फोर दिस इज द नहीं हुआ टेन अब यहाँ पे हमको पता है आर ए वाई प्लस आर बी वाई की वैल्यू मिल गई हमें देखिए आर ए वाई प्लस आर बी वाई इक्वल टू ट्वेंटी ये इक्वेशन आ गई आर बी वाई की वैल्यू यहाँ रख दें आर ए वाई और ले जाएंगे उधर उधर लेके चले गए ट्वेंटी माइनस टेन इक्वल टू टेन देखिए ये आर ए वाई भी टेन आ गया और ये भी टेन आ गया दोनों आ गया दोनों को जब जोड़ेंगे ट्वेंटी हुआ किस डायरेक्शन में ट्वेंटी हुआ एक तो इन दोनों का सम इस डायरेक्शन में और इधर क्या हो गया ये हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इक्लिबीरियम में हो गई कि नहीं हो गई पूरी बीम, ये पूरी बीम इक्लुबीरियम कंडीशंस में हो गई नेक्स्ट शेयर फोर्स एंड शेयर फोर्स डायग्राम इन ए बीम शेयर फोर्स क्या होता है शेयर फोर्स इज द फोर्स इन बीम एक्टिंग परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल एक्स एक्सिस यानी जो हमारी हॉर्जोंटल एक्सिस है शेयर फोर्स डायग्राम क्या होता है अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी मालूम होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा शेयर फोर्स बीम में होता कहाँ है बीम में जो सबसे ज़्यादा शेयर फोर्स होता है वो उसके सपोर्ट्स पर होता है अभी आगे हम डब डायग्राम बनाएंगे तब देखिएगा वहाँ पर सपोर्ट्स पर शेयर फोर्स ज़्यादा होता है शेयर फोर्स डायग्राम क्या कहता है ए शेयर फोर्स डायग्राम इज वन विच शोज वेरिएशन इन शेयर फोर्स एलोंग द लेंथ ऑफ द बीम इन अदर वर्ड दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं द शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय द बीम सेक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम जो शेयर फोर्स होता है वो हमेशा अगर ये कोई एक बीम है तो यहां पर इसके एंड सपोर्ट्स पर यहां पर शेयर फोर्स सबसे ज्यादा होता है किसी भी बीम में बेंडिंग मोमेंट क्या होता है एंड बीएमडी क्या होती है सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है ए बेंडिंग मूवमेंट इज द रिएक्शन इंड्यूस्ड इन ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट व्हेन एक्सटर्नल फोर्स और मूवमेंट इज अप्लाइड टू द एलिमेंट काजिंग द एलिमेंट टू बेंड इसका मतलब अगर ये देखें ये अगर सपोज कोई बीम है तो इस पर जो भी लोड लगेगा इस बीम को बेंड करने की कोशिश करेगा करेगा कि नहीं करेगा इस बीम को अगर हम इस पर कोई लोड लगाएं तो क्या करेगा या तो ये सैगिंग लेगा या हॉगिंग करेगा अभी आगे बताते हैं सैगिंग और हॉगिंग कैसे इस पर अप्लाई किया जाता है या कैसे होता है वो अब देखिए इस पर कोई लगाया तो ये क्या गा? बेंड करने की पोर्शन करेगा इसी को यानी कॉजिंग द वो ऐसा फोर्स और मोमेंट जो कि इसको इस बीम को बेंडिंग करने की कोशिश करता है आप देखिए डिफरेंस बिटवीन मोमेंट एंड बेंडिंग एज यूजल मोमेंट मोमेंट जो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था कैसे मोमेंट लेते हैं क्लॉक डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इस मूवमेंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव करें कि एंटी क्लॉकवाइज इट्स अप टू यू जो भी आपने उसको कंसीडर कर रखा है ए मूवमेंट इज इक्विवेलेंट टू ए फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ ए रिएक्शन एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स इसका मतलब सिंपल से शब्दों में मूवमेंट का जो हम डालते हैं जो भी फोर्स लगता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी अगर हम किसी किसी अगर ये कोई एक बीम है अगर इस पर यहाँ पे फोर्स लगा है और इस जगह हम ले रहे हैं तो कोई एल होना चाहिए यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा इसका फोर्स जो मोमेंट निकालेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स डब्लू या लोड डब्लू लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक की ये है एल तो डब्लू इंटू एल इसका मोमेंट होगा बेंडिंग मोमेंट क्या शो करता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स आर सिंपली प्लॉट द बेंडिंग मोमेंट ऑन द वाई एक्सिस वर्सेस द पोजीशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स अलोंग द बीम ऑन द एक्स एक्सिस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स आर सिंपली प्लॉट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो हम ड्रॉ करेंगे अभी आगे प्रीवियस स्लाइड्स में तो वहाँ पर आप इसको अगेन देखेंगे देखिए आप इसका एग्जाम्पल देखिए एस और बी का ये पूरा एक स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में जो ये वर्टिकल है जो वर्टिकल ये खड़े हुए हैं ये कहलाते हैं कॉलम ये कॉलम कॉलम जो होता है वो ऑलवेज एक कंप्रेसिव मेंबर होता है और देखिए ये जो हॉर्जेंटल है स्टार्टिंग में जब मैंने कहा था ना हॉर्जेंटल होती है ये है आपका बीम इस पर देखिए पूरा एस एफ डी यानी लोड लगने के कारण जब इस पर फोर्स लगेगा बट ऑब्वियस सी बात है जब इस पर फोर्स आएगा या कोई लोड आएगा तो इस तरीके से बेंडिंग की पोजीशंस बनती हैं पूरे किसी भी एक स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं इसको स्ट्रक्चर को हालांकि ये हिडन होता है जब हम लोग एनालाइज करते हैं किसी स्ट्रक्चर को तो वहाँ पर ये चीज़ें शॉर्ट आउट होती हैं अब देखिए यहाँ से इसके कारण लोड के कारण देखिए ये बेंड होनी शुरू हो गई हमको इसी को तो रोकना होता है कि बेंड ना हो उसके लिए हम इसके अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ये जो वर्टिकल में है ये कॉलम है और जो हॉरिजॉन्टल में दिख रही है दिस इज द बीम दिस इज द बीम जनरली ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर है अब देखिए साइन कन्वेंशन पॉजिटिव जब बीम पे लोड लगेगा नीचे कुछ इस तरीके से बेंड होने कोशिश करेगी तो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट बोल लेते हैं इसको बोलते हैं सैगिंग मूवमेंट और जब इधर से लगेगा जब लाइक like दिस कुछ इस तरीके की आएगी तो यहां पर ये निगेटिव बेंडिंग निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट ये हॉगिंग हो रही है देखिए कॉन्वेक्सिटी और कॉनकेविटी इंपॉर्टेंस ऑफ एस एफ डी एंड बी एम डी शेयर

अकर व्हेन फोर्स आर अप्लाइड द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर एलिमेंट दैट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट बेंड व्हेन लोडेड एट एनी पॉइंट ये कैलकुलेट शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट किसी भी बीम के लिए इसका उसी तरीके से एफ वाई एफ एक्स निकाला टेकिंग मोमेंट लिया वैल्यूज आई और ये उसका एस और बी एम डी पर शेयर 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 फोर्स डायग्राम में देखिए यहाँ पर वैल्यू है और इस जगह ज़ीरो है यानी यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में जो सपोर्ट्स होता है वहाँ पर ज़ीरो होता है नेक्स्ट एक यूडीएल की प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी उसी तरीके से एफ एक्स एम वाई निकाला इसको सॉल्व किया सॉल्व करने के बाद ये एस एफ डी एंड बी एम डी उसका प्लॉट किया देखिए यहाँ पे एक कपल लगा हुआ है ये मूवमेंट लगा हुआ मूवमेंट इसलिए क्योंकि थ्री न्यूटन मीटर ये मूवमेंट लगा हुआ है किस डायरेक्शन में जा रहा है एंटी क्लॉक वाइज यहाँ पर एक आपका लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है अब कैंटी लीवर देखिए कैंटी लीवर ये कैंटी लीवर बी में कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं कोई भी ये फिक्स्ड एंड है यहाँ से एक यू डी वो लगा हुआ है आपका पॉइंट लोड एक्स एक्स

अब जब हम इसके लिए बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एम इक्वल टू डब्लू इंटू एक्स डिस्टेंस था वहाँ पर प्रीवियस स्लाइड में देखे तो वहाँ पर एक्स डिस्टेंस था एट एक्स इक्वल टू जीरो मोमेंट जीरो जब एक्स इक्वल टू एल पूरी यहाँ तक आ गया एक्स इक्वल टू एल देन एम बी इक्वल टू माइनस डब्लू इंटू एल देखिए यहाँ पर इस जगह क्या है यहाँ पर देखिए मोमेंट की वैल्यू जो है वो जीरो है जैसे 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पर यूडी आपका पॉइंट लोड सबसे ज़्यादा कहाँ पे था वहाँ पर W इन एल किस डायरेक्शन में निगेटिव डायरेक्शन में तो आप समझ में आई बात जब शेयर फोर्स होता है तो आपका कॉर्नर्स पर जीरो होता है और आपका जब बेंडिंग मूवमेंट होता है तो वहाँ पर आपका जो मूवमेंट जब हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं तो जहाँ पर सपोर्ट्स होता है वहाँ पर धीमे धीरे जीरो होता है देखिए यहाँ से निकला हुआ देखिए और जीरो जीरो और यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी होती है दिस इज़ द दैंटी लिवर बीम थी जिसका एक सिंपली कैंटी लिवर बीम एक सिंपली जिसका एक एंड फ्री पर वहाँ पर एक डब्लू लोड लगा हुआ था डाउनवर्ड डायरेक्शन में और उसका ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फाइंड आउट किया गया है मेरे ख्याल से होप समझ में आया होगा आप लोगों को नेक्स्ट आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह ऑलवेज रिमेंबर सबसे ज़्यादा जो शेयर फोर्स होता है वो क्या कहते हैं कॉर्नर्स पर सपोर्ट्स पर ज़्यादा होता है बेंडिंग मोमेंट हमेशा आपका सपोर्ट्स पर जीरो होता है होप थैंक यू